बिग बॉस के घर में इस हफ्ते किसके लिए आया है फोन, कौन है कॉलर ऑफ द वीक? आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस के घर में वीकेंड पर एक कॉलर को मौका मिलता है अपने फेवरेट कंटेस्टेंट से सवाल करने का। इस हफ्ते किसके लिए फोन आया है, हम आपको टीवी धमाका पर बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इस हफ्ते फोन आया है देवोलीना भट्टाचार्य जी के लिए। MPL कॉलर जो है देवोलीना से सवाल करता हुआ नजर आएगा और ये सवाल रूबीना को चौंका देगा। जी हाँ, ऐसा कौन सा सवाल किया है कॉलर ने? देवोलीना ने जो पलटी मारी है उसको लेकर कॉलर ने सवाल कर लिया है। कॉलर ने देवोलीना से पूछा कि क्या आपको लगता है कि एजाज खान होते तो पलटी मारते? क्या आपने रूबीना को धोखा नहीं दिया? क्या आपको नहीं लगता कि रूबीना को और अभिनव की टीम को आपने धोखा दे दिया है? फिर आप में और निक्की तंबोली में क्या फर्क रह गया है? इतना ही नहीं, कॉलर ने यह भी कहा कि रूबीना हर किसी का ध्यान रखती है और ऐसे में आप जो है उसी को धोखा दे रहे हैं, उसी टीम को धोखा दे रहे हैं जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। देवोलीना ने जवाब दिया कि नहीं, मैं एजाज का गेम खेल रही हूँ और ऐसे में एजाज होते तो राहुल और अली का ही साथ देते। जिस पर कॉलर ने कहा कि नहीं, अगर एजाज होते तो अपनी टीम को कभी भी धोखा नहीं देते। इन सारे सवालों को सुनकर रूबीना चौंक गई। रूबीना को ये बात समझ में आ गई कि ऑडियंस को देवोलीना का पलटी मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। आप क्या इस पर कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा।